भीलवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 2 में ग्यारस माता मंदिर के पास मोबाइल टावर लगाने के विरोध में आज क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मोबाइल टावर हटाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि यह टावर गोबर गैस प्लांट के नाम पर लगाया गया है। वार्ड पार्षद सूरज कुमार बिश्नोई ने कहा कि ग्यारस माता मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन पर गोबर गैस प्लांट लगाने की बात कही गई थी, मगर अब यहां पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। हमारी मांग है कि टावर के निर्माण का कार्य को रुकवाया जाए। पता कॉलोनी में जो मोबाइल टावर लग रहा है उसको रातों रात खड़ा कराया गया है और मोहल्ले वाले को सबको बोला गया है कि कोई गोबर गैस का प्लांट लगा रहे हैं। सबको गुमराह किया गया है और इसका हम विरोध करते हैं और उसका कनेक्शन नहीं हुआ रहा। अभी उसका प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है। हम कलेक्टर साहब को कहना है, रेडिएशन से बहुत सारी बीमारियां फैलती है, बच्चे बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, हार्ट पेशेंट रहते हैं, और अगर किसी को जनहानि हो गई उसके जिम्मेदार वो टावर वाले होंगे और वहाँ के घर वाले होंगे। और कम से कम वहाँ 2000 की आबादी है पूरे गांव में और आस पड़ोस में कम से कम 700-800 आदमी रहते हैं वहाँ पे। चाहते हैं कि वहाँ टावर नहीं लगना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में कनेक्शन नहीं हुआ और काम चल रहा है उसका, उसको हटाना और हम हटाना उसका। कलेक्टर साहब को यही कहना है कि उसको बिल्कुल हटाना, और हम उसका विरोध करेंगे। अगर कलेक्टर साहब नहीं सुनेंगे हम वहाँ धरना देंगे।